कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए नगर निगम द्वारा महानगर के 70 वार्डों में चलाए जा रहे वृहद सैनिटाइजेशन अभियान की रियलिटी चेक करने गोरखपुर न्यूज टीम शहर वार्ड नंबर 18 सर्वोदय नगर बिछिया पहुंची। वार्ड के नागरिकों से जब हमारी टीम ने सैनिटाइजेशन अभियान के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि जब से सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है तब से 2-4 बार ही सैनिटाइजेशन के लिए गाड़ियां आई हैं, लेकिन वो गाड़ियां कुछ ही जगहों पर सैनिटाइजेशन करके चली जाती हैं और मोहल्लों की कई गलियों में सैनिटाइजेशन तक नहीं हो पा रहा है। कुछ गलियों में तो कोविड पेशेंट भी मिले लेकिन सैनिटाइजेशन नहीं कराया गया। डर लगता है घर में बच्चे हैं, कहीं बीमारी की चपेट में ना आ जाएं। वहीं जब इस बारे में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि नगर निगम महानगर के सभी वार्डों में लगातार सैनिटाइजेशन का काम चला रही है। यदि कहीं सैनिटाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो हमारे कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं या फेसबुक ट्विटर पर अपने वार्ड का नंबर लिखकर सैनिटाइजेशन करवा सकते हैं। इस संबंध में वार्ड नंबर 18 सर्वोदय नगर बिछिया के नागरिक विनोद कुमार श्रीवास्तव, ब्रजेश कुमार गुप्ता, योगेश कुमार पांडे, संजय कुमार मौर्य, मदन सिंह एवं आदित्य कुमार शाही एवं नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया। विनोद कुमार श्रीवास्तव, मैं भाजपा का बिस्मिलनगर मंडल का कोषाध्यक्ष भी हूं और वार्ड नंबर 18 शहीद गली में रहता हूं। जब से सेंट्रलाइजर हो रहा है मुश्किल से 10-12 बार मशीन आई थी और कुछ गलियों में सेंट्रलाइज हुआ, कुछ गली में सेंट्रलाइज नहीं हुआ। वह सेंट्रलाइजर जैसे इस गली में समय माई के मंदिर तक वहाँ मशीन नहीं जा पाई। इंस्पेक्टर एसन गुप्ता बार बार यह कहते हैं कि आप लोग छोटी मशीन से करा लीजिए। कई बार हम लोगों ने कहा, पार्षद ने भी कहा कि छोटी मशीन से उतना नहीं हो पाएगा, आप मशीन भेज दीजिए। कहने पर वो अपना नमक ही अपना मशीन भेजते हैं। एक बार और ऐसा वो कर रहे थे, बाद में संजय शुक्ला उपनगर आयुक्त से मैंने शिकायत किया तो मशीन आई और मशीन अपना करके गई। संजय शुक्ला यह कहते हैं कि एक ही वार्ड में बार बार कानमक से सेंट्रलाइजर, बार बार हम नई मशीन भेजेंगे, तो इस तरह की बात इस तरह की होती है। राकेश निषाद जो पार्षद प्रतिनिधि है वो कई बार कह चुके, ये बगल में आप देख रहे हैं गड्ढे का बरसात का पानी भरा हुआ है, 3 दिन से कहा जा रहा है। आज एक जेई है, इनका नंबर 73-111-80-399 है। उनका कहना है कि मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आज फिर गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ ताकि घर का नमक ही अपना सैनिटाइजर केवल गलियों में हुआ है, मेन सड़क से लेकर के और आगे किनारे तक अभी तक सैनिटाइजर नहीं हो पाया। आपको और किस मामले में रहता है, कौन सा वार्ड है आपका? ब्रजेश कुमार गुप्ता, हनुमान मंदिर समय माता गली, वार्ड नंबर 18। नगर निगम कह रही कि सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, आपकी तरफ चल रहा है? नहीं, हमारे गली में नहीं हुआ सैनिटाइजर। जाते भी हैं सब तो खाली वैसे घुमा के चले आते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ सैनिटाइजर करते हैं, कहने पे भी नहीं रुकते हैं सब। हाँ, ये सब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सैनिटाइजर का बहुत जोर शोर से काम चल रहा, तो ऐसा कोई वो नहीं है। अभी जाके देखिए तो सावन माता के मंदिर के बगल में कम से कम घुटना ही है पानी लगा हुआ है। आखिर मंदिर है, एक आस्था की जगह है ना, तो वहाँ भी वही कहानी है। और सफाई के नाम पे अगर ड्यूटी लगती भी है तो जो कर्मचारी हैं वो भी सब जाते हैं तो उतना वो नहीं करते हैं। नगर निगम कहता है कि सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, कैसा है? जी, मेरा नाम योगेश कुमार पांडे है,
मैं वार्ड नंबर 18 में रहता हूँ और नगर निगम जिस हिसाब से बता रहा है कि सैनिटाइजेशन हो रहा है, बीच में एक आध दिन हुआ है, उसके फिलहाल अभी नहीं हो रहा है। और मेरे मोहल्ले में एक आध दो घर पॉजिटिव था, कंटेनमेंट जोन हमारे सभासद जी लगाए हुए थे जो लग रहा है, लेकिन डर सता रहा है अभी भी। हम लोग ये चाह रहे हैं कि लगातार सैनिटाइजेशन हो मोहल्ले में। बच्चे हैं सब घर पे, सबके घर बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन नगर निगम की तरफ से कोई ऐसा जिस हिसाब से आप बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये संजय मौर्य, किस मोहल्ले में रहते हो और कौन सा वार्ड है? सर हमारा वार्ड नंबर 18 है और सर्वोदय नगर समय माता का मंदिर, वहाँ पर सर छिड़काव नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। जी नगर निगम कह रहे हैं सैनिटाइजेशन हो रहा है आप? जी नहीं, हमारे गली में नहीं हुआ। आपका और कौन से मोहल्ले में रहते हैं? मदन सिंह नाम है, हनुमान मंदिर गली में रहते हैं। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 18 है। आपके यहाँ सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है? नहीं चल रहा है। नगर प्रशासन कह रहे हैं कि सैनिटाइजेशन लगातार नहीं चल रहा है। सर आदित्य कुमार शाही नाम है मेरा और बिछी हनुमान मंदिर में रहते हैं। लोटस पब्लिक स्कूल गली हमारी हनुमान मंदिर से 100 मीटर आगे। आपका किस चीज़ का दुकान है? मेडिकल शॉप है हमारी। यहाँ पे नगर निगम द्वारा अब तक सैनिटाइजेशन चलाया गया है? आज तक नहीं हुआ सर, क्योंकि हमारा चूँकि मेडिकल शॉप है यहाँ तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ हर प्रकार के मरीज आते हैं, डॉक्टर वगैरह तो देख नहीं रहे हैं, लोग मेडिकल से ही दवा ले जाते हैं और यहाँ कोरोना तक के मरीज आते हैं, यहाँ तो व्यवस्था होनी चाहिए सैनिटाइज़र की, और कम से कम पर डे नहीं तो 2-3 दिन पे, हफ्ते में एक बार होनी चाहिए। यहाँ नहीं हुआ, हमारे आवास की बात ही छोड़िए सर। मेडिकल साफ हमारा है, यहाँ तो हर प्रकार के मरीज आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने अपना हाथ उठा लिया है, हमारे मेडिकल पे ही लोग आते हैं, कोरोना के भी मरीज आते हैं और हर प्रकार के मरीज आते हैं। यहाँ पर आज तक जब से लॉकडाउन हुआ है आज तक एक भी बार सैनिटाइजर नहीं हुआ है यहाँ पर, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ व्यवस्थाएँ की जाएँ। मेडिकल शॉप पे तो बिल्कुल कही जाए, क्योंकि हर व्यक्ति मेडिकल शॉप पे ही प्रेजेंट टाइम में डिपेंड है। सर महानगर के हमारी टीम गई थी, वहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि सैनिटाइजेशन के लिए तो टीमें आ रही हैं लेकिन गली मोहल्ले में जो है वहाँ नहीं पहुँच रही हैं, उसके लिए क्या? नहीं देखिए, हमारे पास जो भी सूचना कहीं से भी आती है, वैसे तो हम लोग पूरे जितने नगर निगम के 70 वार्ड हैं सभी बहुत व्यापक तौर पर बहुत सघन सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है, और इसके जो इसको हम लोग अपनी देख रेख में कराते हैं, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहते हैं और कई टीमें इसमें काम कर रही हैं जो विभिन्न जगह पर जाती हैं, लेकिन बहुत चूंकि इतना बड़ा नगर निगम है 70 वार्ड, हो सकता है कि एक एक घर को ना कवर कर पा रहे हो, एक एक गली को ना उस दिन छूट जाता हो, वो बाद में आ जाता है। तो लेकिन इसके लिए हमने जो है अपने 2 कंट्रोल रूम के नंबर दे रखे हैं, 1 टोल फ्री नंबर दे रखा है, इसके अलावा ट्विटर भी है, फेसबुक भी है और व्हाट्सअप भी है। अगर कोई भी कहीं से, जैसे बहुत से लोगों भी मैंने देखा कि ट्विटर पे आता रहता है मैसेज, तो हम ट्विटर पे जो मैसेज देखते हैं तत्काल वहाँ पे हम लोग टीम भेज देते हैं। तो अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है कि उस जगह पे सैनिटाइज नहीं हो पाया है, तो अगर तुरंत बता दें कंट्रोल रूम के नंबर हैं या जो आपके चैनल को देखने वाले हैं उस पर चैनल में आपके नंबर दिखाए जाते हैं, उन नंबरों को देखकर कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके नंबरों में बता दें, तो निश्चित रूप से कहीं से भी सूचना आएगी तो हम वहाँ पर सैनिटाइज अवश्य कराएंगे। वैसे हमारी कोशिश रह रही है कि हम हमारे जहाँ पे करीब 59 बड़ी वाली गाड़ियाँ जो 4 पहिया गाड़ियाँ पूरे वार्डों में लगातार दौड़ रही हैं, डे और नाइट सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, वहीं पर हमारे पास 210 जो है छोट जो हमारी हैंड हेल्ड मशीनें हैं जो कि मैनुअली ऑपरेट हो रही हैं, उनको भी हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको लेकर उनका यूज ही जो है वो घर घर जाकर डोर टू डोर जाकर नॉक करके वो वहाँ पर सैनिटाइज कर रहे हैं। बाई चांस अगर कहीं छूट जाता है तो निश्चित हमको वो सूचित करें, हम वहाँ पर सैनिटाइजेशन अवश्य कराएंगे।